आपके अंदर इतना डर भर देंगे कि आपको ये लगेगा कि यार अब तो यहाँ पर बिटकॉइन बिल्कुल खत्म हो गया। आपका अगर 50,000 रुपए का पोर्टफोलियो था वो आपको यहाँ पर 15,000 से 20,000 रुपए का दिख रहा होगा। आज के समय पर जो ऑल्ट कॉइन है आपको अच्छे खासे मुनाफे में भी दिख रहा होगा कि यार हमने 1 लाख रुपए की एंट्री ली थी और वो 1 लाख रुपए हमारा यहाँ पर 3-4 महीने के अंदर ही जब से ETF अप्रूव हुआ है बिटकॉइन का। दोस्तों आप लोग यहाँ पर हैमस्टर को टैप करने में लगे हुए हैं और यहाँ पर बिटकॉइन अपना जो असली खेल है जिसके लिए वो जाना जाता है अब से नहीं पिछले 15 सालों से वो करने में लगा हुआ है। खेल क्या हुआ है सभी को यहाँ पर पता लग गया होगा। जिसने अगर $100 का भी आपका पोर्टफोलियो होगा तो भाई वो $100 आज के समय पर $20-30 आपको दिखाई दे रहा होगा जो अब से 2 महीने पहले $100 था। तो कंप्लीट बात करने वाले हैं बिटकॉइन में जो ब्लड बात हुआ है उसके ऊपर। और हैमस्टर में दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया करें और यहाँ पर आपको ज़्यादा अर्निंग होगी भी नहीं, मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू यहां पर बताने वाला हूं। वीडियो को सबसे पहले आप यहां पर लाइक कर दीजिए, साथ साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और ट्विटर को भी आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि जो भी अपडेट्स रहेंगी वो आपको यहां पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अब हम चलते हैं मेन अपडेट की ओर। ज्यादा लंबी वीडियो मैं यहां पर नहीं बनाने वाला हूं, शॉर्ट में 2-4 मिनट में आपको यहां पर बताने वाला हूं कि मार्केट में फिलहाल के समय पर क्या और क्यों चल रहा है और मार्केट यहां पर कहां तक जा सकता है। मेरे पीछे यहां पर आपको चार्ट दिख रहा होगा BTC का, दोस्तों ये चार्ट है और जो कि लगातार दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा इसमें लगातार गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए बिटकॉइन लगातार यहां पर डाउन 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 और अपना जो यहां पर पिछले 2-3 महीने का है वो यहां पर डाउन लगाने की कोशिश कर रहा है। जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन की हुई थी वो सभी यहाँ पर लिक्विडेट हो चुके हैं। भाई लॉन्ग वाले कहाँ तक यहाँ पर बचेंगे, और मार्केट में यही होता है। मोस्टली लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ पर बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गया, बिटकॉइन ने $72,000-73,000 अपना हालविंग से पहले ऑल टाइम हाई को यहाँ पर लगा दिया, तो बिटकॉइन यहाँ पर बहुत जल्दी $1,00,000 जाने वाला है। लोगों ने यहाँ पर सोचा और वो चीज़ें सभी के दिमाग में चलने भी लगी कि भाई अब तो बहुत जल्दी यहाँ पर $80,000-85,000-90,000 जाएगा, $1,00,000 जाएगा। लेकिन भाई सब चीजें आपके मुताबिक यहां पर नहीं चलेंगी। व्हेल्स कैसे पैसा कमाएंगे? व्हेल्स यहां पर जो नैरेटिव है आपके अंदर इतना डर भर देंगे कि आपको ये लगेगा कि यार अब तो यहां पर बिटकॉइन बिल्कुल खत्म हो गया। आपका अगर 50,000 रुपए का पोर्टफोलियो था वो आपको यहां पर 15,000 से 20,000 रुपए का दिख रहा होगा। आज के समय पर जो पोर्टफोलियो अब से 1-1.5-2 महीने पहले आपका 50,000 का था वो आपको 20-25,000 रुपए मैक्सिमम दिख रहा होगा। सभी को ये चीजें अपने वॉलेट में दिखी रहेंगी। बहुत से लोग यहां पर ऐसे हैं जो पैनिक में यहां पर सेलिंग करने में लगे हुए हैं और बहुत से लोग यहाँ पर मैसेज भी कर देंगे भाई क्या हमें ये राइट टाइम है यहाँ पर सेल कर दें, क्या यहाँ पर बिटकॉइन और ज्यादा डाउन जा सकता है। तो दोस्तों देखिए बिटकॉइन यहाँ पर और ज्यादा डाउन जा सकता है और उसके डाउन जाने की संभावनाएं बिल्कुल है, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। बिटकॉइन जो डाउन जा सकता है अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो लगभग $50,000 को भी दोस्तों यहाँ पर ब्रेक कर सकता है, और $50,000 को अगर उसने यहाँ पर ब्रेक किया तो दोस्तों ये जा सकता है $48,000 के आसपास तक। ये 30 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कैंडल आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। अब दोस्तों यहां पर रीजन है उसके ऊपर हम यहां पर बात करें तो रीजन मोस्टली आप सभी को पता है, एक तो यहां पर इथेरियम का ETF अप्रूव, सभी को पता है कि ट्रेड होना स्टार्ट हो चुकी है। इथेरियम का ETF को लेकर के ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था कि उसमें ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर जब ETF अप्रूव होगा और जब इसकी एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी जुलाई में तो यहाँ पर बिटकॉइन एक सडन डंप दे सकता है। डंप का रीजन वही है, मोस्टली लोग और ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे कि भाई यहाँ पर बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गया, इथेरियम का ETF अप्रूव हो गया, अब तो यहाँ पर बहुत बड़ा खेला होने वाला है। होगा, बेशक होगा, लेकिन सब कुछ आपके मुताबिक और हमारे मुताबिक यहाँ पर नहीं चलता है। मार्केट इसी तरह से रिएक्ट करती है। 2015-16-17 में भी ऐसा ही हुआ था, 2020-21 में भी ऐसा ही हुआ है और दोस्तों यहाँ पर 2024-25 में भी ऐसा ही हो रहा है। हर बार ऐसा ही होता है, जब भी मेजर यहाँ पर पंप आता है क्योंकि पंप की जो शुरुआत है वो होती है 7 अक्टूबर के आसपास में जब यहाँ पर बिटकॉइन की हालविंग होती है। बिटकॉइन की हालविंग के बाद में 2-3 महीने तक बिटकॉइन इसी तरह से अपना खेल दिखाता है, अपना ऑल टाइम दोस्तों यहां पर हाई लगाने के बाद में लो लगाने की कोशिश करता है। और यहां पर ऑल टाइम हाई दोस्तों बिटकॉइन ने इस बार बहुत जल्दी लगा दिया था, तो यहां पर जो चांसेस थे लोगों के ये थे कि अब तो $1,00,000 आसानी से यहां पर हम छू लेंगे। लेकिन माउंट गॉक्स को लेकर के भी दोस्तों ये अपडेट है, ऑलरेडी मैंने अपने ट्विटर पर और टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर दी थी जिसमें यहां पर उसने लगभग माउंट गॉक्स कोल्ड वॉलेट से लगभग 47,228 बिटकॉइन दोस्तों मूव हुए हैं और जिनकी वैल्यू बैठती है लगभग $2.7 बिलियन।
माउंट गॉक्स आप सभी को पता है एक बहुत बड़ा रोड़ा यहाँ पर बना हुआ है, और वेल्स यहाँ पर अच्छी तरह से जानती है कि इस तरह से की जो न्यूज होती है उन्हें कैसे यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में एडजस्ट करना है ताकि लोगों की जेब से पैसा निकाला जा सके। जो कमजोर दिल वाले ट्रेडर हैं या जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बनाया हुआ है और जिन्होंने पहले साइकिल्स यहाँ पर देखे हुए हैं, भाई हमने यहाँ पर 2016-17 की मार्केट देखी है, 2020-21 की मार्केट देखी और 2024-25 की मार्केट भी बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट कर रही है जिस तरह से सोच रहे थे। यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसी तरह से मार्केट में इतना फड़ आज के समय पर है क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट है इतना ज़्यादा डाउन है, हर जितने भी ऑल्टकॉइन थे सभी के, चाहे आपने किसी भी XYZ यहाँ पर ऑल्टकॉइन में अपना एंट्री ली होगी अब से 2 महीने पहले, और आपको जो ऑल्टकॉइन है आपको अच्छे खासे मुनाफे में भी दिख रहा होगा कि यार हमने 1 लाख रुपए की एंट्री ली थी और वो 1 लाख रुपए हमारा यहाँ पर 3-4 महीने के अंदर ही जब से ETF अप्रूव हुआ है बिटकॉइन का, यहाँ पर जो ऑल्टकॉइन है उन्होंने भी अच्छी खासी सी थोड़ी सी शॉर्ट टर्म वाली अगर हम रैली कहें तो अच्छी खासी रैली दिखाई, आपका 1 लाख रुपए वहां पर 4-5 लाख रुपए हो गया, लेकिन वो 4-5 लाख रुपए आपको बनता हुआ तो दिखाई दिया, आप वहां पर एग्जिट नहीं कर पाए। एग्जिट ना करने का रीजन सिंपल सा वही है, थोड़ा सा इमोशनली दोस्तों आप वहां पर अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद में मोस्टली चाहे हम हो चाहे आप हो वहां पर आप सोचते हैं कि अगर मेरे 5 लाख बने हैं वो दोबारा से मुझे 25 लाख में यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दिसंबर के आसपास में यहां पर जो अच्छी खासी मेजर रैली है वो वहां तक फिर पहुंच जाएगी। मोस्टली जितने भी ट्रेडर हैं सभी इसी तरह से रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन मार्केट उसका उल्टा हुआ। बुल रन आएगा, जरूर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर पैनिक देगा। जो कमजोर दिल वाले लोग हैं या जिनके वॉलेट में इतना पैसा नहीं है और वो चाहते हैं कि यार मेरा 100 रुपये अभी यहाँ पर 20-30 रुपये बचा है इसे ही मैं यहाँ पर बचा करके रख लूँ और अपना वॉलेट को यहाँ पर फिर सेव कर लूँ, तो भाई ऐसे लोगों को मार्केट यहाँ पर लूटती है और हमेशा ऐसा ही होता है। चाहे आप किसी भी कॉइन में आप हो तो वो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन आपको अच्छे खासे 50-60-70% ब्लीड में होंगे, यानी कि आपको डाउन में यहाँ पर दिख रहे होंगे आपसे 4 महीने पहले जो रेट था। तो दोस्तों घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं, मार्केट दोबारा से वापस जाएगा, हो सकता है कि 50,000 के डॉलर का जो यहां पर प्राइस रेंज है BTC का जो सपोर्ट है उसे भी यहां पर ब्रेक कर दे, लेकिन एट द एंड यहां पर अच्छा खासा मूव होगा। दूसरा दोस्तों Binance पर अगर जिस किसी का भी ओशन प्रोटोकॉल या जिन वॉलेट्स में आपने यहां पर ओशन प्रोटोकॉल जो रखा हुआ था वो आप सभी को पता है वो मर्ज हो गया है एक टोकन के अंदर, और खुद मेरा यहां पर ओशन प्रोटोकॉल Binance एक्सचेंज पर पड़ा हुआ था तो वहां पर वो जीरो हो रहा है क्योंकि फिलहाल के समय पर जो डीलिस्टिंग है उसने यहां पर Binance ने ओशन प्रोटोकॉल की कर दी है, तो फिलहाल के समय पर जो वॉलेट है आपके उसमें भी जीरो वहां पर बैलेंस दिख रहा होगा अगर आपका ओशन प्रोटोकॉल Binance पर पड़ा हुआ था, तो आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएगा जो उसकी वैल्यू है 0.43 के आसपास, आपको जो टोकन है वो आपको उसी के अनुसार वो मिलने वाला है। बाकी दोस्तों वीडियो को आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, घबराएं नहीं, पैनिक ना हो, क्योंकि मार्केट हर बार की तरह इस बार भी इसी तरह से रिएक्ट कर रही है और जितने भी ट्रेडर हैं चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं सभी का पोर्टफोलियो यहां पर ऑलरेडी डाउन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सभी जो लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर बैठे हैं कि भाई 2025 के बुल रन का हमें यहां पर एंजॉय करना है तो आपको एग्जिट नहीं करना है, ये आपको बिलीव के अनुसार मैं आप सभी को बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप मोटिवेटेड रहें और आप यहां पर जो मार्केट के फिलहाल के सिनेरियो चल रहे हैं उनके बहकावे में ना आए। मार्केट में अगर हम देखें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहां पर 30 के आसपास तक चला गया था, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मार्केट इसी तरह से रिएक्ट करती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। मार्केट में जो फंड फैल रहा है उसे फैलने दीजिए और आप यहां पर बस अपना फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए अगर आपके पास में स्टेबल कॉइन्स हैं या फिर INR पड़ा है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्राइस रेंज में आप धीरे धीरे 20-30% यहां पर फिर खरीद लें अगर आपके पास में है वैल्यू, तो अगर भाई वैल्यू आपने सारी की सारी ऑलरेडी लगा रखी है तो आप बैठ जाइए, परेशान ना हो, मार्केट 2-4 महीने बाद आपको फिर उससे भी ऊंची पोजिशन पर दिखाई देने वाला है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, टेलीग्राम और ट्विटर को ज्वाइन कर लें।